हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी आईएएस की क्विज, जो कि जून मंथ की है। तो आज हमारे एनवायरनमेंट की जितनी भी रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस बची हुई है उसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट मंथ्स की भी देख सकते हो और प्रीवियस लेसन जो है इसी मंथ की वो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज सेशन। तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। सो आज स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन से। हालांकि ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो काउंट भी कीजिएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो करेक्ट बताना है, देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया के द्वारा ये प्रपोज़ किया गया है कि रोज़ वुड को यहाँ पर अपेंडिक्स सेकेंड जो कि साइट्स का है उसमें ऐड किया जाएगा। साइट्स कहने का मतलब है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर रोज़ वुड को ऐड करने का बात किया गया है। सेकेंड है कि अपेंडिक्स सेकेंड जो साइट्स का होता है, टोटल 3 अपेंडिक्स होते हैं, तो अपेंडिक्स सेकेंड जो साइट्स का होता है इसमें जो स्पीसीज होते हैं ना वो थ्रेटेंड नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनकी प्रजातियाँ पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, बट उनके ट्रेड को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है जिससे कि उनकी जितने भी सर्वाइवल है उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जाए। थर्ड है कि एक बार अगर आइटम को अपेंडिक्स सेकंड में लिस्ट कर दिया जाता है तो जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं उनको ज़रूरत है कि वो साइट से सर्टिफिकेट्स जो है लेकर आए, तभी वो यहाँ पर जो है, मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आइटम्स को अपेंडिक्स सेकंड में आपका इंक्लूड किया जाता है, इट मीन्स कि उन सारे एक्सपोर्टर को अगर उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है तो उनको सर्टिफिकेट लेना होगा साइट से। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फैक्चुअल है क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ आया है कि नहीं, कि यहाँ पे रोज़वुड को ऐड करने का कोई फंडा आया है कि नहीं, तभी आप लोग जो है इस स्टेटमेंट को करेक्ट और इनकरेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग साइट्स के बारे में जानते हो, इनके अपेंडिक्स सेकंड के बारे में जानते हो, तो फिर आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हो। सेकंड और थर्ड ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, बट फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं, इंडिया जो है यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलकर यहाँ पे एक टफ बैटल में इंगेज हुए हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज की। यहाँ पे जो आपका ऑलरेडी जो रोज़वुड है ना उसको डीलिस्ट करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस बार प्रपोज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका करेंट अफेयर्स में बात ये था कि यहाँ पे डीलिस्ट करना है, यानी कि जो अपेंडिक्स सेकंड में था अब उसको यहाँ से, रोज़वुड को यहाँ से हटाना है। तो ये याद रखिएगा, इसको शेषम भी कहा जाता है। तो ये आपका न्यूज़ में था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर हम लोग कॉप मीटिंग में देखें जो कि 2016 में हुआ था, तो इंटायर जेनिस जो कि यहाँ पर रोज़वुड का है, यानी कि यहाँ पर जो आपका दलबेरगिया सिसो है उसको यहाँ पर अपेंडिक्स सेकंड में प्लेस कर दिया गया था। और कंप्लेन था बहुत सारे साउथ अफ्रीकन और साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कि इनका जो यहाँ पे इंटरेस्ट है ना इस लकड़ी का, यानी कि जो रोज़वुड की लकड़ी होती है, इनका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसलिए इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अपेंडिक्स सेकंड में रख दिया गया है। प्राइमरली यहाँ पे चाइना से देखने को मिल रहा था कि इसकी ट्रेड में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अपेंडिक्स थर्ड, यानी कि आप लोग पहले ध्यान रखिए कि साइट्स में टोटल जो अपेंडिक्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो फर्स्ट में जो भी आपका प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है, कहने का मतलब है कि उसमें ट्रेड जो है ना प्रोटेक्टेड हो जाता है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट को और कोई आइटम को अगर अपेंडिक्स सेकंड में रखते हैं तो एक्सपोर्टर को यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है, यानी कि अगर उनको एक्सपोर्ट करना है उस प्रोडक्ट को तो उसके लिए जो है पहले परमिशन लेना होगा साइट्स ऑर्गेनाइजेशन से। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं आपके साइट से ही रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। साइट्स स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। आइए देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि साइट्स जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि स्टेट और जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलेंट्री यहाँ पे होते हैं। सेकेंड है कि 70% से भी जो ज़्यादा स्पेसीज है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं साइट्स के द्वारा करेंटली, और ये अधिकतर स्पेसीज जो है एनिमल के स्पेसीज है। थर्ड है कि अगर करेंटली अगर कंट्री यहाँ पे कन्वेंशन के को वायलेट करती है तो साइट्स के द्वारा यहाँ पे सैंक्शन भी इम्पोज किया जाएगा, जिससे कि कंट्री जो है ना आफ्टरऑल साइट्स के लिस्टेड स्पेसीज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बताइए यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो साइट्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डैट इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसमें कि स्टेट और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके वॉलेंट्री आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा आपको नहीं लग रहा कि 70% से भी ज़्यादा स्पीसीज जो कि एनिमल की स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है साइट्स में? तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दोनों देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, थर्ड वन इज राइट। तो सेकंड आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया, जो कि यहाँ पे सी है।
साइट्स आप समझ गए। यहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है उनके उनके इंटरनेशनल ट्रेड को आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। सारी चीज़ जो कि लाइव एनिमल से लेकर प्लांट तक है, फूड तक है, लेदर फूड है, लेदर गुड्स है, ट्रिंकेट्स है, ये सारी चीज़ें जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 5,800 से भी ज़्यादा जो स्पीसीज़ ऑफ एनिमल है, 30,000 से ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ प्लांट है जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है साइट्स के द्वारा। तो यहाँ पर प्लांट की जो स्पीसीज़ की नंबर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू एनिमल्स, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगर कोई भी पार्टी यहाँ पे वायलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि कन्वेंशन का है, तो साइट्स जो है ना वो यहाँ पे सैंक्शन भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे है द नॉलेज ऑफ बैथीमेट्री। तो ये है क्या, यानी कि जो ओशन फ्लोर का जो डेप्थ होता है और शेप होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए ये बैथीमेट्री का इस्तेमाल होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्यों? क्योंकि इसके ये हेल्प करता है कि नेचुरल फेनोमेना को समझ सके, यानी कि ओशन सर्कुलेशन है, टाइड है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है। सेकेंड है कि यहाँ पे जो है कि इनपुट प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे कि ऑयल और जो गैस प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरेशन है वो बेटर तरीके से हो सके। थर्ड है कि यहाँ पे जो आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको भी हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो इसमें आप लोग देखिए कि आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए द नॉलेज ऑफ यहाँ पे बैथीमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस तरीके के स्टेटमेंट को करेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गई। एक न्यू माइलस्टोन यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा मैराइन एक्सप्लोरेशन के लिए, एक आपका अनाउंस किया गया है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है रिसर्च का जो कि रिसर्चर्स का, जो कि अभी रिसेंटली उनके द्वारा ये कहा गया है कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड की जो ओशन फ्लोर है उनको मैप किया गया है और ये फिनिश्ड हो चुका है। ये जो बैथीमेट्री का नॉलेज है यानी कि यहाँ पर शेप और ओशन फ्लोर का जो डेप्थ है उसको मेज़र किया जाएगा और ये इंस्ट्रूमेंटल है जिसमें कि कुछ नेचुरल फेनोमेना को समझ पाएंगे कि ओशन का सर्कुलेशन कैसे है, टाइड कैसे आता है, क्यों आता है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। साथ ही साथ कुछ नेविगेशन में भी हेल्पफुल हो पाएगा, सुनामी को फॉरकास्ट करने में, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने में, तो ये सारी चीज़ जो है ना इसमें आपका बैथीमीटर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो डेटा है काफ़ी हाईली वैल्यूएबल है जब यहाँ पे कोई भी डिजास्टर सिचुएशन आता है। अगर एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो पहले का जो सी फ्लोर को यहाँ पे मैप किया गया था उसको थैंक किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट है जापान के, उनके द्वारा जो है ना फिर से वापस से जो यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव हुआ था 2011 में अर्थक्वेक के कारण, तो उसमें जो आपका वापस से यहाँ पे जापान को जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा था। तो ये सारी यहाँ पे अगर बैथीमीटर होती है तो अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें बाकी यहाँ पे आपके डिटेल में यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि इतना ज़्यादा डिटेल में कहीं भी आपको आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक लेक, करेक्ट बताना आपको। अब आते हैं लोकटक लेक के बारे में, देखते हैं यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि लोकटक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है इंडिया का और ये फेमस है फुमडीज के लिए जो कि इसमें फ्लोट होते रहता है। सेकंड है कि केबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे लोकेटेड है और ये सिर्फ एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। थर्ड है कि ये जो पार्क है ये आपका लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी है इंडेंजर्ड संघाई का, तो आपको इसमें बताना कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए जिसमें कि मैं आपको बताई हूँ कि कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि बताया जा रहा है कि लोकटक लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, तो ये आप लोग को सही लगेगा बट ये सही नहीं है क्योंकि ये जो आपका फ्रेश वाटर है ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। एक बार आप इसको गलत कर दोगे तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केबल लुमजो जो यहाँ पे नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है इसमें और ये सिर्फ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि मे बी ये आपका सिर्फ फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है सिर्फ इंडिया में हो सकता है, वर्ल्ड में नहीं हो सकता, बट इट इज़ इन वर्ल्ड। और ये जो पार्क है ये लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी है इंडेंजर्ड संघाई का, तो यहाँ पे संघाई देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए लोकटक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो लेक है ये मणिपुर में लोकेटेड है। ये फेमस किस लिए, फुंडीज के लिए फेमस है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे जो है ना इकोलॉजिकल स्टेटस और इसके डाइवर्सिटी वैल्यू को देखते हुए इस लेक को इनिशियली डेजिग्नेट किया गया था एज अ वेटलैंड, यानी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो है इसको वेटलैंड आपका रखा गया था, वेटलैंड कंसीडर किया गया था। साथ ही मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर भी इसको रखा गया है, रिकॉर्ड ऑफ रामसर साइट, जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होते हैं और ये जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि ये लाइकली ऐसा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये लोकटक लेक है ये कहाँ कहाँ है, वेटलैंड जैसा भी इसको रखा गया है रामसर कन्वेंशन के अंदर और साथ ही मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी इसको इंक्लूड किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बाब
बम्बूसा टुल्टा। तो बम्बूसा टुल्टा के बारे में देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बम्बूसा टुल्टा जो है एवरग्रीन बैम्बू नेटिव है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। बैम्बू नेटिव, बैम्बू से ये रिलेटेड है, तो आपको नाम पता होगा तभी आप लोग यहाँ पे बता पाओगे। सेकंड कि इसको पेपर पल्प इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और अगर अगरबत्ती का जो स्टिक होता है ना, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया गया, जिसमें कि बैम्बू जो ग्रो होते हैं और नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ है उनको यहाँ पे ट्री के डेफिनेशन के अंदर लाया गया। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आप बताइए करेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये बम्बूसा टुल्टा जो है ये एवरग्रीन बैम्बो नेटिव है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है। सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसका इस्तेमाल हम लोग पेपर पल्प इंडस्ट्री में और अगरबत्ती की स्टिक में यूज़ कर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बट थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बम्बूसा टुल्टा। ठीक है, ये इंडिया की टिम्बर बैम्बो है और बंगाल बैम्बो भी इसको कहते हैं। बैम्बो नहीं, बम बम बैम्बो। ठीक है, सो आई डोंट नो कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो फिर भी जो भी है आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ इस्तेमाल होता है हम लोग देख ही लिए। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जो कि यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन को यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि ये एसेट मोनेटाइजेशन के लिए। तो बैम्बूसा जो टुल्टा है ये अगरबत्ती स्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसकी प्लांटेशन भी होती थी ये महाराष्ट्र में। और इसका एम यही है कि लोकल अगरबत्ती जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करना और रेगुलर इनकम फ्लो को यहाँ पे बढ़ाना, जो कि ट्रेनिंग सेंटर में है। और 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसमें बैम्बो ग्रोन और नॉन फॉरेस्ट एरिया को यहाँ पर ट्री के डेफिनेशन से हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि इसमें इंक्लूड किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपका है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे भगवान महावीर सेंचुरी ये आपका वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक में लोकेटेड है। सेकंड है कि यहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल देखने को मिलता है। सो कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट ऑनली, सेकंड ऑनली, बोथ या फिर नीदर? देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का आपका जो है कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर आप लोग को पता है कि ये कहाँ पर है, यानी कि भगवान महावीर सेंचुरी कहाँ पर है, तो आप लोग जो है एक स्टेटमेंट को ज़रूर करेक्ट कर लोगे, या फिर अगर आप लोग को पता है कि दूध सागर वाटरफॉल कहाँ है तो भी आप लोग करेक्ट कर लोगे। तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी पता होगा तो आप लोग आंसर कर सकते हो। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये बी है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए सीरियस कंसर्न यहाँ पे अभी निकल कर आया था, ये आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है ये गोवा में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो फोर लेनिंग और हाईवे जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन था, जिसमें कि गोवा में जो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। भगवान महावीर सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क ये प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया यानी कि गोवा में है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेंपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, दूध सागर वाटरफॉल, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइज हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, कल हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल 6 क्वेश्चन हुए ना, 32-35, यस 6 क्वेश्चन हुए, तो 6 में से आपके कितने मार्क्स यहाँ पे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और कल आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। तो यही बात है कि आप लोग, मैं नहीं बोलती हूँ तो आप लोग धीरे धीरे सुस्त हो जाते हो, बस अपने आप में मग्न हो जाते हो। तो मैं भी यही ऐसे ही सुस्त हो जाऊँ और अपने आप में मग्न हो जाऊँ तो फिर आप लोग का लेसन कैसे मिलेगा, है कि नहीं? मैं जब आप लोग के लिए अटेंटिव हूँ तो आप मेरे लिए अटेंटिव क्यों नहीं होते हो? और मेरे लिए नहीं करना, ये आपको ही आपके लिए करना है। डेली जब आप लोग अपने मार्क्स को लिखोगे ना मॉर्निंग में, तो इससे क्या होता है ना कि आपके माइंड में स्टिक हो जाता है कि आपके इतने मार्क्स कम आए, आपके जो है 2-3 क्वेश्चन गलत हुए या फिर 5 गलत हुए या फिर आपके जो है ना 6 के 6 गलत हो गए, तो आपके दिमाग में ये पूरे दिन दौड़ते रहेगा। और फिर आपको जो है इनर मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, आपको अच्छा करना है, पढ़ना है, आपको जो है अभी भी टाइम है, अपने आपको जो है ये आपको करेक्ट करनी है, जितनी भी आपकी मिस्टेक है, कोई वीक एरिया है तो उसको आपको स्ट्रेंथन करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेगी। दैट्स वाई मैं इस तरीके की डेली आपके पास जो है क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, लेसन अच्छा लगा, तो बस लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।